हनी सिंह के जहर कम बैक करने के बाद न्यू सॉन्ग का तो पता नहीं, बट इनके सारे पुराने गाने लोग फिर से सुनना पसंद कर रहे हैं, इवन मैं भी। तो अचानक से सटन एल्बम की वीडियो देखा जिसमें आई ग्लो वाली इफेक्ट बहुत ही कमाल की लगी, तो मैंने भी अपना फोन उठाया और पिक्साइड ऐप की हेल्प से कोशिश करा इफेक्ट क्रिएट करके कॉन्सेप्ट बनाने की, और रिजल्ट आपके सामने है। फिलहाल फोटो पे इफेक्ट क्रिएट करना बताया हूं, और नेक्स्ट वीडियो पे वीडियो एडिटिंग पे इफेक्ट क्रिएट करना बता दूंगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके सपोर्ट जरूर कर देना। तो इस वीडियो पे आपको इस कॉन्सेप्ट को पूरा बनाकर ही दिखाऊंगा, और अगर सिर्फ आई ग्लो इफेक्ट ही क्रिएट करना चाहते हो तो इस टाइम पे मूव कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बाकी मैं सजेशन दूंगा कि पूरे कॉन्सेप्ट सीख लो, सही रहेगा। सो यहाँ पे मैं पिक्सल ऐप को ओपन करके मॉडल फोटो को ऐड कर लिया हूँ, एंड इस फोटो पे आप नोटिस करोगे ये शर्ट चेंज हो गया रेड कलर से ब्लैक। तो कलर को कैसे चेंज करा मैंने ये वीडियो पे बता रखा है, छोटी सी वीडियो है, देख लेना अगर आप अपना शर्ट की कलर चेंज करना चाहते हो तो। सो पहले स्टेप में आपको सिंपली इस कटआउट वाले ऑप्शन पे आ जाना है बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए। आजकल बहुत सारे AI वेबसाइट है, अगर आप वहां से करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी यहां से मैं आउटलाइन क्रिएट करके अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लेता हूं, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज करने के बाद ये वाले ड्रॉ टूल पे आ जाना है, एंड यहाँ से इस आइकन को प्रेस करके सेव इमेज को प्रेस करना, मॉडल की PNG सेव हो जाएगी, ठीक है। पूरा बैक आ जाना, एंड ये वाली बैकग्राउंड दिया है उसे ऐड कर लेना, एंड यहाँ पे एक ऐड फोटो का ऑप्शन है, इसे सिंपली प्रेस करके इस PNG को ऐड करके इसे फुल साइज पे रख लेना। देन अगर नेट फोटो को प्रेस करके जो हमने मॉडल PNG सेव करा था बैकग्राउंड इरेज करके, उस मॉडल PNG को ऐड करना है यहाँ पे। देन आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे आपको प्रेस करके मेरे स्टेप को फॉलो करनी है। तो यहाँ पे लास्ट में कलर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसे टैप करेंगे, और यहाँ सैचुरेशन को प्रेस करके जो कलर की अमाउंट ज्यादा हो गई है उसे आपको कम रखना है 30 या 40 में, एंड इसे आपको डन नहीं करना है। और उसके बाद आपको सिंपली इरेजर को टैप करना है, और उसके बाद आपको इनवर्ट को प्रेस कर देना है, और इरेजर की हेल्प से आपके जितने स्किन्स हैं उस पे ये रिमूव कर देना है, ठीक है। ये इरेज हो गई, एंड अमाउंट को आप थोड़ा सा कम या ज्यादा करके रख सकते हो। इससे क्या होगी, आपके जो स्किन को छोड़ के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी जो कलर है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे, ताकि मॉडल की PNG बैकग्राउंड से कंपोज हो सके। अगेन नेट फोटो को प्रेस करके इस वाली PNG को ऐड करके यहाँ पे फुल साइज पे रख लेना है। नाउ अगेन नेट फोटो को प्रेस करेंगे, एंड इस ब्लैक ग्रेजियंट PNG को ऐड करके इसे भी सेम फुल साइज पे रख लेना है, जिससे नीचे पे डार्क इफेक्ट क्रिएट हो गई है। फिलहाल इसे यहाँ से डन कर देना। कुछ फोटोज पे देखोगे जिसमें फेस में इस तरह से चमक या साइन आती है। इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको टूल्स को प्रेस करके एडजस्ट को प्रेस करना है, और यहाँ पे को इंक्रीज करके इरेजर को टैप करना है, इनवर्ट को टैप करके ब्रिस्टोर वाले ब्रश को प्रेस करना, हार्डनेस को कम कर देंगे एंड साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, और इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो साइन वाली, मतलब अपने चेहरे पे चमक डालना चाहते हो तो। एंड ब्रश की सेटिंग को अगेन यहाँ से अच्छे से सेट करके यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है, एंड इसे डन कर देना है। ये वाली कम्प्लीट, एंड यहाँ देख सकते हो फर्क देखने को मिल रही है, अब फोटो पे थोड़ी सी डिटेल आ गई है। तो चलिए अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पे, ग्लोइंग इफेक्ट कैसे करना है आईज पे। सिंपली डॉल ऑप्शन पे आके कलर को टैप करो, एंड यहाँ से व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लो, और ब्रश को प्रेस करके इस ब्रश को चूज करना, एंड ओपेसिटी को मिड पे रख के साइज को थोड़ा सा कम कर लेना, एंड फुल जूम करना अपने फोटो पे, मतलब अपने आईज को पूरा जूम कर लेना, एंड इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है व्हाइट कलर में। तो इस तरीके से व्हाइट ब्रश चलाकर सिमिलर लेयर्स पे जाना, एंड यहाँ पे एक न्यू लेयर क्रिएट कर लेना, और यहाँ पे ऐड फोटो को प्रेस करके फोटो को टैप करना। देन जो ये वाली जो मैं आपको इफेक्ट PNG दिया हूं, उसे ऐड करना है, एंड इसे स्क्रीन मोड अप्लाई करके ट्रांसफॉर्म को प्रेस करना है, ताकि इसे आप दूसरी जगह ले जा सको। एंड इस तरीके से यहाँ पे राइट वाले ऐप पे मैंने रखा, एंड सिमिलर न्यू लेयर क्रिएट करके सेम ऐड फोटो को प्रेस करके इस इफेक्ट को अगेन ऐड करना है, एंड इसमें जो नॉर्मल है उसे स्क्रीन कर देंगे, और इसे लेफ्ट साइड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। लाइटन में सही नहीं लग रही, इसकी कलर चेंज हो जा रही है, अगर आपको रेड में रखना है तो रेड में रख सकते हो, बाकी स्क्रीन में रखना क्योंकि इसमें परफेक्ट लग रही है। फोटो को थोड़ा सा क्रिएटिविटी बनाने के लिए मैं ये वाली स्मोक PNG को ऐड करा, अगर आप चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, एंड इसे भी स्क्रीन कर देना, एंड इस तरीके से यहाँ पे सेट कर सकते हो, एंड दूसरी PNG को भी इस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट साइड पे रख सकते हो, एंड लेफ्ट साइड के लिए भी आप एक न्यू लेयर क्रिएट बना के इस PNG को ऐड कर सकते हो, एंड इसे भी स्क्रीन पे अप्लाई करके यहाँ पे सेट कर लेना, ठीक है। फोटो पे और थोड़ा सा डिटेल डालने के लिए सिंपली मैंने एक न्यू लेयर अगेन क्रिएट करा, एंड यहाँ से रेड कलर चूज कर लिया। देन ब्रश की सेटिंग को चेंज कर लेते हैं, एंड सिंपली जूम करना है आपको, एंड इस तरीके से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना है। ये जरूरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, बट फोटो पे थोड़ा सा रियलिस्टिक एंड डिटेल डालने के लिए मैंने थोड़ा बहुत इफेक्ट डालने की कोशिश करा, एंड इस तरीके से थोड़ा सा इरेज कर लेना अगर ओवर इफेक्ट लग रही है तब।
और इतना करने के बाद इस फोटो को सेव कर लेना एंड बेसिक कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग करने के लिए मैंने इस फोटो को लाइटरूम पे ऐड करा एंड सिंपली डिटेल वाले ऑप्शन पे जाके क्लैरिटी को इंक्रीज करा एंड विगनेट को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं एंड अब देख सकते हो मॉडल की पीएनजी बैकग्राउंड के साथ मैच हो चुकी है, अभी बिल्कुल सही लग रही है। एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आके एक्सपोजर को माइनस कर देते हैं, हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे एंड शेडोज को थोड़ा कम रख लेता हूं एंड व्हाइट को इंक्रीज करेंगे एंड कलर ऑप्शन पे जाके सैचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ाया एंड उसके बाद मिक्स टैब को ओपन करके यहाँ पे थोड़ा बहुत कलर करेक्शन कर लेना जिससे हमारी फोटो पे और थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आ जाए। फाइनली हमारी कॉन्सेप्ट रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप भी अपनी फोटो बनाकर सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डीपी लगाने के लिए क्रिएट कर सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर अपनी स्किन को जस्ट वन टैप में स्मूथ करना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को देख लेना, मैंने एआई की हेल्प से जस्ट वन टैप में स्किन स्मूथ कराया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, बाय।